स्टेप थ्री के बारे थोड़ी बात कर देता हूँ। तो ये कहा कि स्टेप टू में जो हम लोग काम कर रहे थे, इस बात को देखने का कि इस क्षण मेरे में जो भाव विचार चल रहा है वो भाव मेरे लिए सह स्वीकार है कि नहीं, उस भाव की मैं निरंतरता चाहता हूं कि नहीं। अब उसको हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं स्टेप थ्री में, अब ये बात को जांचने का काम कर रहे हैं कि इस क्षण मेरे में जो भाव चल रहा है, जो विचार चल रहा है, उस भाव के साथ मैं अपने में आराम में हूं या परेशान हूं, मैं अपने में संगीत में हूं या अंतर विरोध में हूं, मैं अपने में सुखी हूं या दुखी हूं, इस बात को जांचना है। तो स्टेप टू का, बल्कि वन का कंटिन्यूएशन है टू, और वन और टू के कंटिन्यूएशन में स्टेप थ्री पर काम करना है कि पहले देखा हमने अपनी कल्पनाशीलता को, अपने भाव विचार को बिना कोई रिएक्शन किए, फिर ये जांचा कि ये हमारे लिए सहज है कि असहज है, सहज स्वीकार है कि नहीं, इसकी निरंतरता हम चाहते हैं कि नहीं। अब स्टेप थ्री में ये जांचना है कि इस भाव के साथ मैं अपने में आराम में हूं या परेशान हूं, संगीत में हूं या अंतर विरोध में हूं, सुखी हूं या दुखी हूं। इसको जांच लेंगे तो बहुत सारी चीजें आगे हमारे लिए साफ होंगी कि कौन सा भाव हमारे लिए सुखद है, कौन सा दुखद है, कौन सा विचार हमारे लिए सुखद है, कौन सा दुखद है। तो हम तय कर पाएंगे कि कौन से भाव को अपने को कंटिन्यू करना है, कौन सा नहीं करना है, बल्कि वो तय हो ही जाएगा अपने आप ही। एक बार दिख जाए कि कोई चीज दुखद है तो अपन क्यों ढोएंगे उसको, एक बार ये दिख जाए कि कोई चीज सुखद है तो उसकी निरंतरता बनने का काम होने लगेगा। तो इस काम को करना है, और इस काम को करते हुए हम इस निष्कर्ष को धीरे धीरे पहुंच पाते हैं इस निष्कर्ष पर कि जो सहज भाव हैं वो सुखद हैं, जो असहज भाव हैं वो दुखद हैं। तो एक क्षण भी अगर हमारे में स्नेह का भाव है, संबंध का भाव है, तो वो भाव हमको सहज स्वीकार है, उस भाव की हम निरंतरता चाहते हैं, इसलिए उस भाव के साथ हम अपने में सुखी रहें। इसको हम सीधा सीधा देखें, एक भी क्षण अगर विरोध का भाव आता है ना, तो वो भाव हमको सहज स्वीकार नहीं है, उस एक क्षण के लिए तो हम अपने में अंतर विरोध में रहते हैं ना, अपने में परेशान रहते हैं, अपने में दुखी होते हैं। इसको लेकिन बहुत बारीकी से देखना है, एक एक भाव के संदर्भ में, एक एक विचार के संदर्भ में देखना है। तो जो अभी सोनाली जी ने कहा कि अंदर तो रिएक्शन हो रहा है कि इतनी बार इस बच्चे को बताया और ये सुनता ही नहीं है, वो एक क्षण भी जो उसके प्रति एक विरोध का भाव आया, उसके कारण क्रोध का विचार चलता है ना, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हम सोचते हैं, बट वो जो भाव है विरोध का, जिस क्षण वो भाव आता है उस क्षण तो हम दुखी होते ही हैं, उस क्षण तो हम अंतर विरोध में रहते ही हैं, उस क्षण तो हम अपने में परेशान रहते ही हैं। बाहर उसको व्यक्त करें या ना करें, हो सकता है कि बाहर व्यक्त करते समय रोक लें तब तक ध्यान चला जाए, लेकिन अंदर तो हम दुखी हो गए। अगर वो विरोध का भाव 10 मिनट रहा तो 10 मिनट दुखी रहे, 1 घंटा रहा तो 1 घंटे दुखी रहे, कई कई लोगों का तो कई दिन तक चलता है, कई लोगों का कई वर्षों तक चलता है। अब उतने समय हम दुखी होते जा रहे हैं जबकि बाहर घटना जो थी वो खत्म हो गई 2 मिनट में। तो ये जो हम सालों साल दुखी होते रहते हैं, उन घटनाओं को लेकर जो घटना कभी एक समय घटी थी और 5 मिनट 7 मिनट 2 मिनट चली थी, तो वो जो हम अपना भाव बिगाड़ रहे हैं, विरोध का भाव ला रहे हैं, द्वेष का भाव ला रहे हैं, अपमान का भाव ला रहे हैं, अविश्वास का भाव ला रहे हैं, इन सब भावों के साथ हम दुखी तो हो ही रहे हैं, वो बात अब हमको दिखनी चाहिए, वो बात हमको दिखनी चाहिए कि एक क्षण भी अगर हमारे में कोई ऐसा भाव आता है जो सहज नहीं है, उस क्षण में अपने में परेशान हो जाता हूँ, अंतर विरोध में आ जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। जिस क्षण भी हमारे में कोई ऐसा भाव होता है जो मेरे लिए सहज है, हमको सहज स्वीकार होता है, उसकी निरंतरता को हम बनाए रखना चाहते हैं, उस क्षण हम अपने में आराम में रहते हैं, संगीत में रहते हैं, सुखी रहते हैं। इस बात को अपने को देखना है।
और धीरे धीरे ये निष्कर्ष हमको दिख जाए कि सहज भाव के साथ हम सुखी होते हैं, असहज भाव के साथ दुखी होते हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ना। क्योंकि आगे फिर हम ये तय कर पाएंगे कि ये भाव सहज है तो सुखद होगा, असहज है तो दुखद होगा। तो सहज भाव को ही चलाएंगे, असहज भाव को क्यों चलाएंगे। बट अभी मैं ये कहूंगा कि जब हम ये देख रहे हैं और मूल्यांकन कर रहे हैं और ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं, उस दौरान हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। न तो सहज भाव को बनाए रखने के पीछे पड़ना है, न असहज भाव को हटाने के पीछे पड़ना है। अभी तो सिर्फ देखना है, देखकर मूल्यांकन कर लेना है, इतना ही काम करना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। धीरे धीरे सहज रूप से ये काम होगा कि जो सहज भाव है, सुखद भाव है, उसकी निरंतरता बनने लगेगी। जो असहज भाव है, दुखद भाव है, वो धीरे धीरे छिन्न होने लगेगा और खत्म हो जाएगा। बट हमको कुछ अभी एफर्टफुली नहीं करना है, प्रतिक्रिया पूर्वक नहीं करना है, हमको तो सिर्फ देख लेना है, इतना ही काम है। इसके साथ अगर देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने लिए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं, ये पीपीटी तो हम लोग आपको भेज देंगे। ये जो असाइनमेंट है वो मैंने अभी इंगित कर दिया था, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ कि हर क्षण आप अपने जो व्यवहार है, आदान प्रदान हो रहा है दूसरे मनुष्य के साथ, उसको देख लिए, है ना, और उसमें क्या भाव है आपका इस क्षण, उसको देखिए। ये भाव आपको सहज स्वीकार है कि नहीं, इस बात को देखिए। आप इसकी निरंतरता चाहते हैं कि नहीं, इसको देखिए। इस भाव के साथ आप अपने में आराम में है या परेशान है, संगीत में है या अंतर विरोध में है, सुखी है या दुखी है, इस सब को देखें हर क्षण। तो इससे ये निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि नहीं, इसको भी देख लीजिए कि सहज भाव के साथ हम सुखी होते हैं या सहज भाव के साथ दुखी होते हैं। तो एक तो ये काम असाइनमेंट के रूप में आपको करना है, अभ्यास तीन को करते करते साथ में। दूसरा, अपने में ये जांच कर देखना है कि कौन सा भाव आपको सहज स्वीकार होता है और सुखद है, विश्वास का भाव या विश्वास का भाव, सम्मान का भाव या अपमान का भाव, प्रेम का भाव या घृणा का भाव। और ये भी देख सकते हैं कि इन भावों की निरंतरता आप में है कि नहीं, तो जो सहज और सुखद भाव है उनकी निरंतरता है कि नहीं, जो असहज और दुखद भाव है उसकी निरंतरता है कि नहीं। तो इतने को देखने का काम हम लोग जारी रखेंगे अभी से लेकर कल सुबह तक। कल सुबह फिर इस पर जो भी आपके ऑब्जर्वेशन हैं उसको लेंगे। अब धीरे धीरे मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो काम हम लोग अभी इन 2 घंटों में कर रहे हैं, ध्यान देने का, देखने का, धीरे धीरे वो कंटिन्यूटी के साथ होने लगे पूरे दिन भर, है ना, तो ज्यादा हमारे लिए उपयोगी होगा। और ये हम कर सकते हैं क्योंकि जब हम बाहर व्यवहार कार्य कर रहे हैं तब भी निर्णय तो मैं खुद ही कर रहा हूँ अपने व्यवहार कार्य, तो अपने पर काम तो चल ही रहा है अपने में। अब उसके प्रति होश में आ जाए कि मैं जो निर्णय ले रहा हूँ उसमें क्या कल्पनाशीलता में चल रहा है, उसको देखना शुरू कर दें। तो काम करते समय भी हम ध्यान दे सकते हैं, और धीरे धीरे पता लगेगा कि ध्यान दे के अगर काम करते हैं तो काम की क्वालिटी भी बढ़िया हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि आपके काम की क्वालिटी बिगड़ जाएगी, है ना, आपका काम की क्वालिटी बेटर होने लगेगी। अभी बहुत बार आप दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं, बाद में सोचकर परेशान होते हैं। तो पहले जब चिल्लाए उस समय जो भाव आया, विचार आया, उसका दुख, फिर बाद में उसको सोचकर पछता रहे हैं, उसका दुख, 2 बार दुख। और अगर आप बात करते समय आवेश में आ गए और आपने चिल्ला दिया तो आपका काम और बिगड़ता ही है, बनता नहीं है। तो अभी तो होश पूर्वक अगर देखेंगे, अपने में काम जारी रखेंगे, उसके साथ बाहर के संसार से इंटरेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा इंटरेक्ट कर पाएंगे। बट वो सिर्फ अभी मैं तो इतना ही कहूंगा कि जितना आराम आराम से हो जाए अभी बाहर वाला काम करते हुए उतना कर लीजिए। बट ये निर्णय को बनाए रखिए कि भाई हमको तो हर क्षण अपने भाव विचार को देखना है, हर क्षण उसका मूल्यांकन करना है, हर क्षण इस बात को सुनिश्चित करना है कि जो भाव मेरे में चल रहा है वो सहज है, सुखद है, अन्यथा नहीं है। तो इसके साथ मैं अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन को रोक देता हूँ। जो बात हमको कहनी थी हमने कम्युनिकेट कर दिया है, कल सुबह तक आप उसको अभ्यास करें। इस पर कोई प्रश्न है, कोई ऑब्जर्वेशन है तो अभी हम लोग बाकी समय पर ले सकते हैं। 7:07 हो गए हैं, तो मैं अपनी तरफ से जो मुझे कहना है वो मैंने पूरा कर दिया है। बट आपके कोई प्रश्न रह गए हैं तो आप
पूछ सकते हैं, लेकिन फॉर्मली जो है सत्र को हम लोग ये मान लेंगे कि हमारी तरफ से पूरा हो गया, बट आपके कोई प्रश्न है, कोई ऑब्जर्वेशन है तो उसको सुनने के लिए हम लोग।